हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये मल्टीपर्पज़ पाउच बनाएंगे। कपड़े के बचे हुए छोटे से टुकड़े से ये पाउच बन गया है। इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाउच बनाने के लिए आप किसी भी तरह का कपड़ा ले सकते हैं। चौड़ाई इसकी 11 इंच है और लंबाई 13 इंच है, तो जो 11 इंच वाली साइड है उसी में हमें कटिंग करनी है। ये 11 इंच वाली साइड है 11 इंच की। कपड़े को पहले मैंने बीच से फोल्ड कर लिया है, अब एक बार और फोल्ड करेंगे, दो फोल्ड हो गए, अब हमें तीसरा फोल्ड करना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जो चौड़ाई वाली साइड है 11 इंच वाली, वहीं पे हमें कटिंग करनी है। या मैं 1.5 इंच की कटिंग करूँगी, तो 1.5 का हम एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है, 1.5 इंच दूसरे साइड से भी हमें 1.5 इंच लेना है। किनारे से सिलाई के लिए हमें हल्का सा मार्जिन लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है, अब इसे खोलेंगे तो इस तरह का ये पैटर्न बन जाएगा। इसके नीचे आप फोम लगा सकते हैं। इस तरह का कैरी बैग मैंने लिया है, इसके ऊपर मैं कपड़े को फैला कर रख दूंगी। इसकी जगह आप बुकरम भी ले सकते हैं या फिर फोम का भी यूज कर सकते हैं। चारों साइड से हमें सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। कॉर्नर पे हमें हल्का सा कट लगा लेना है। चारों साइड से कटिंग कर लेंगे। अब जो 13 इंच वाली साइड है वहाँ पे हमें जिप लगानी है। जिप भी मैंने 13 इंच की ली है। जिप को कपड़े के ऊपर रखकर सिलाई करेंगे। जिप को मैंने सिल लिया है, अब हम सिलाई वाले कपड़े को नीचे करके उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे जिप अच्छी तरह बैठ जाएगी। अब हम जिप की दूसरी साइड को सिलेंगे, दूसरे साइड के कपड़े के ऊपर रखते हुए इसे सिल लेंगे। सिलाई करने के बाद जिप को खोल लेंगे और दूसरी साइड वाले कपड़े को दबाकर हम जिप के किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। अब जिप में हमें रनर को डाल लेना है। रनर मैंने लगा लिया है, अब हम पाउच को उल्टा करेंगे। बीच वाली साइड में हमें सिलाई करनी है, किनारे किनारे सिलाई करेंगे। साइड में सिलाई मैंने कर ली है। अब दोनों साइड के हैंडल बनाने के लिए मैंने 4 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इसे दोनों साइड से फोल्ड करके एक पतली सी स्ट्रिप बना लेंगे। दोनों कपड़ों की हमें इसी तरीके से स्ट्रिप बनानी है। स्ट्रिप मैंने बना ली है, जहाँ पे मैंने अभी सिलाई की थी उसके ऊपर मैं कैरी बैग को इस तरह से कटिंग करके लगा दूंगी, जिससे सिलाई ढक जाए। जो हमने 1.5 इंच का कॉर्नर कटिंग किया है, दोनों को एक साथ मिलाते हुए हमें सिलना है। तो जो छोटी वाली स्ट्रिप हम बनाई है उसे अंदर की साइड रखेंगे और हम सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमें स्ट्रिप को अंदर ले जाना है और इसका एक भाग हमें किनारे पे रखना है और कॉर्नर वाली दोनों सिलाइयों को मिलाकर हमें सिल लेना है। इस तरीके से एक साइड मैंने सिल लिया है। अब स्ट्रिप का जो दूसरा भाग है उसे हमें दूसरी साइड रखना है। जिप को खोलकर अच्छी तरह से यहाँ पे स्ट्रिप को रख लेना है, उसके बाद दोनों किनारों को मिलाते हुए सिलाई करना है। देखिए, इस साइड की सिलाई हो गई है। अब जो दूसरी वाली स्ट्रिप है उसे भी हम यहाँ रखेंगे और दोनों साइड को मिलाते हुए सिल लेंगे। स्ट्रिप का जो दूसरा पार्ट है उसे दूसरी साइड रखते हुए सिलाई कर लेंगे। जो खुली हुई सिलाई है उसके ऊपर भी हम कैरी बैग को रखकर सिल लेंगे। ये देखिए, पाउच बन गया है। अच्छी तरह से हम कॉर्नर निकाल लेंगे और पाउच को सीधा करेंगे। देखिए, हमारा सुंदर सा पाउच बनकर तैयार हो गया है। इसे पकड़ने के लिए हमने दोनों साइड हैंडल लगाए हैं। देखिए कितना प्यारा सा पाउच ये बनकर तैयार हो गया है।
आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने